जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी उसके अंदर कुंवारी लोगों के लिए, कुंवारी लड़कियों के लिए, जो लड़कियां जो कि अनमैरिड है उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं था कि वो शादी से पहले सेक्स नहीं कर सकती, है ना। वो इजीली शादी से पहले सेक्स कर सकती थी, उनके लिए मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था कि भाई शादी नहीं हुई है तो तब तक वो सेक्स ना करें, है ना। नॉर्मल बात थी शादी से पहले भी सेक्स करना और इवन बच्चे कर लेना, है ना, वो भी बहुत एक नॉर्मल बात थी शादी से पहले, उसमें कोई स्ट्रेंज बात नहीं थी। एक तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया को हमने खोल लिया है। इसको इसको इस फैक्ट को जानने के लिए हम जाते हैं चैप्टर नंबर 2 द एंशिएंट रिजिम के अंदर। फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर नंबर 2 है द एंशिएंट रिजिम द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी बौद्ध धर्म से पहले की, उसमें क्या क्या मतलब खराबियां थी उन चीजों को एक्सप्लेन किया है। क्या उनमें सेक्सुअल बिल्कुल मॉरलिटी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा गैम्बलिंग करते थे, बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग करते थे, इसके अलावा और बहुत सारी उनमें खराबियां थी, उन चीजों को एक्सप्लेन किया है बाबा साहब ने। इस चैप्टर नंबर 2 का एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया, उस प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर नंबर 2 का एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फैक्ट कि शादी से पहले भी लड़कियां सेक्स करती थी, इवन बच्चे भी कर लेती थी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी उस वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर, इस फैक्ट को हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फैक्ट को जानने के लिए हम चैप्टर नंबर 2 के सीधे उस फैक्ट जहां पर ये लिखा हुआ है वहां चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज बाबा साहब ने किस तरह से एक्सप्लेन की है। फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जहां पर ये चीज लिखी हुई है, बाबा साहब लिखते हैं देयर वाज नो रूल फॉर चैस्टिटी ऑफ मैडन्स। A girl could have sexual intercourse with and also progeny from anybody without contracting marriage. मतलब कहने का मतलब है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए चेस्टिटी, मतलब चेस्टिटी का मतलब है कि बिल्कुल वो पवित्रता या बिल्कुल कुंवारापन एक तरह से बोल सकते हैं कि शादी से पहले सेक्स ना करना, है ना, बिल्कुल एक पवित्र रहना, उसको ये चेस्टिटी बोलते हैं। तो ये चीज लड़कियों के लिए बिल्कुल भी उस टाइम पर वैदिक आर्यन सोसाइटी में ऐसी कोई जरूरी नहीं थी। उस समय लड़कियां जो कुंवारी लड़कियां थी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती थी किसी के साथ में भी और किसी से भी बच्चे भी पैदा कर सकती थी बिना कोई शादी किए। इसको एक्सप्लेन, इसका लॉजिक बताते हैं बाबा साहब कि दिस इज एविडेंट फ्रॉम द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्या विच आल्सो मींस ए गर्ल। कन्या कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड कामा विच मींस ए गर्ल फ्री टू ऑफर हरसेल्फ टू एनी मैन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं बाबा साहब कि जो ये वर्ड है कन्या, है ना, जिसका मतलब होता है गर्ल, लड़की, तो इसका जो रूट वर्ड है ना कन्या का वो है कम, काम, है ना, उसका मतलब, इस रूट वर्ड काम का मतलब होता है ए गर्ल फ्री टू ऑफर herself to any man, है ना। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ये वर्ड कन्या है, इस कन्या वर्ड का मतलब ही ये है कि a girl which is free to offer herself to any man, ठीक है, उस पर कोई restrictions नहीं है कि वो किसी को offer ना करे खुद को, वो किसी भी man के साथ में sexual intercourse कर सकती है, even बच्चे भी पैदा कर सकती है बिना किसी शादी किए हुए। और इसके लिए बाबा साहब आगे कहते हैं कि that did offer themselves to any man and had children without contracting regular marriage। और उसके लिए बाबा साहब ने एग्जांपल दिए हैं, एक पहला एग्जांपल दिया है कुंती का, फिर है मत्स्यगंधा का। कुंती और मत्स्यगंधा का एग्जांपल दिया है, जैसे कुंती का एग्जांपल दिया, कुंती हैड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट मैन बिफोर शी वॉज मैरिड टू पांडु। जो कुंती थी, है ना, जो पांडवों की माता थी, है ना, वो डिफरेंट मैन के साथ में उसके बच्चे हुए थे शादी से पहले, शादी बाद में पांडु के साथ में हुई, लेकिन उससे पहले डिफरेंट मैन के साथ में, डिफरेंट पुरुषों के साथ में, विभिन्न पुरुषों के साथ में उसके डिफरेंट बच्चे हुए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है मत्स्यगंधा का, मत्स्यगंधा हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द सेज पराशरा बिफोर शी मैरिड टू शांतनु द फादर ऑफ भीष्मा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है मत्स्यगंधा का, जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था ऋषि पराशर के साथ में, और उसके बाद में वो शांतनु के साथ में उसकी शादी हुई थी। शांतनु कौन? भीष्म के पिता, ठीक है, महाभारत में जो भीष्म पितामह थे उनके पिता शांतनु थे, तो उनके साथ में मत्स्यगंधा जो कि मोस्ट वाली वो सत्यवती है, उनके साथ में इसकी शादी हुई थी। तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर कुंती और मत्स्यगंधा का एग्जाम्पल देकर ये बात प्रूव कर दी है कि उस वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर गर्ल्स, अनमेरिड गर्ल्स के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना कोई भी इमोरल चीज नहीं थी, एक नॉर्मल बात थी, और साथ साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करती थी, जो करती थी, लेकिन उसके साथ में बच्चे भी पैदा कर सकती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो
आपको देखकर एक नया फैक्ट पता लगा होगा वैदिक आर्यन सोसाइटी के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में आपको कुछ नई चीज जानने को मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।